मोहसिन खान अब्बासी ने भी कैमरों के सामने अंजू को एक के बाद एक कई गिफ्ट देने का ऐलान कर दिया। अंजू को जमीन से लेकर फ्लैट तक की रिश्वत दी जा रही है। पाकिस्तान की स्टार ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक अंजू को गिफ्ट देने वाले बिजनेसमैन है मोहसिन अब्बासी और पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक है मोहसिन। अंजू को 40 लाख का प्लॉट मोहसिन अब्बासी ने दिया है। कंपनी के मालिक ने अंजू को फ्लैट गिफ्ट किया था, प्लॉट गिफ्ट किया था और पाक स्टार ग्रुप में नौकरी देने का भी ऑफर दिया गया। सरहद के पार रहने वाले लोग भी देख ले कि आपकी मीडिया आपको किस तरह गलत तरीके से फीड कर रही है। मोहसिन अब्बासी आपके सामने मौजूद है। जहाँ तक बात है ये सही की तो हर पाकिस्तानी वो सारे के सारे अपने इदारों के साथ हमेशा स्टैंड करते हैं। मानेगा हमें बेतहाशा लोगों की कॉल मैसेज और एक पूरा का पूरा एक सिलसिला कायम हो गया। वो लोग बड़े हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो खुश हैं। तो ये हमारे अजदाद की रवायात है कि हमारे यहाँ जब भी लोग गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे तो वापसी पे उनको तोहफा दिया जाता था। क्योंकि दो किरदार हैं, मैं ये समझता हूँ कि सीमा के साथ जो कुछ हो रहा है वहाँ पे और पाकिस्तान जैसी जबरदस्त एक खूबसूरत कंट्री को छोड़ के जाने की सजा शायद उसको मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सियाब अहमद अब्बासी और साहब डिजिटल में आपको खुश आमदीद करते हैं। अंजू पाकिस्तान के आई इंडियन मीडिया ने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पाकिस्तानी शहरी जिसने इंडियन जो लड़की आई थी अंजू, उसको जज्बा खैर सगाली के तहत एक प्लाट दिया, लेकिन इंडियन मीडिया उसको बार बार पाकिस्तान की फौज और ISI के साथ ज्वाइन कर रही है। आए आज आपको जवाब देते हैं कि इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है इसकी हकीकत क्या है, कौन है मोहसिन अब्बासी। हम उनसे मिलते हैं, इंडियन मीडिया और इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों को मैं बताता चलूं कि आज आपको दिखाते हैं कि ISI एजेंट कौन है और जिसके मुतालिक इंडियन मीडिया इतने दिनों से प्रोपेगेंडा करता है। आए आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी एजेंट, ISI के एजेंट, इंडिया के बकौल के ISI के एजेंट कौन है। जी नाजरीन, ये हैं मोहसिन अब्बासी, जिनको इंडियन मीडिया ने ये पेश किया कि ये ISI के एजेंट हैं। आज मोहसिन अब्बासी की जुबानी जानते हैं कि इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है ताकि इंडिया में रहने वाले लोगों को भी तो पता चले कि उनका मीडिया कितना सच बोलता है और कितना झूठ दिखाता है। एक एनजीओ को लेकर उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर एक प्रोपेगेंडा वार की, उसका जवाब आज मोहसिन अब्बासी देंगे। मोहसिन, आप हैं कौन और आपका ताल्लुक कहाँ से है, क्या आपका ताल्लुक ISI से है? जी, एक तो बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने मौकफ़ जानने की कोशिश की। देखें, हमारा ताल्लुक बेसिकली एबटाबाद UBS से है और इस्लामाबाद के अंदर हम 30 ईयर्स से यहाँ पे काम कर रहे हैं और बिज़नेस कर रहे हैं। मोहसिन खान अब्बासी मेरा नाम है और PSG ग्रुप, पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मैं चेयरमैन हूँ। जहाँ तक बात है ISI की, तो हर पाकिस्तानी छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, औरत और मर्द, वो सारे के सारे अपने इदारों के साथ हमेशा स्टैंड करते हैं और हमारे इदारे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारा फ़ख्र है। हम लोग हमेशा अपने इदारों के बैकएंड पे, फ्रंट फुट पे हमेशा खड़े रहते हैं। और ये कहना कि ये तमाम तर जो प्रोपेगेंडा है कि ये सारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ISI का या उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, तो ये कथित तौर पर दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडियन मीडिया ये कहता है कि आपने पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट बिजनेस है, आर्मी का, वहाँ पर रियल स्टेट बिजनेस में है, लेकिन क्या आपको पाकिस्तान आर्मी ने, ISI ने क्या ये कहा कि आप जाके अंजू को प्लाट दे दे? अच्छा, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मैंने कभी DHA का एक प्लाट भी नहीं बेचा, जिसकी तरफ वो इशारा करते हैं। हमारा रियल एस्टेट का काम ज़रूर है, लेकिन हमारा एक अपना प्राइवेट, अपना हाई राइजिंग का या छोटे सोसाइटीज़ का या एक बड़ी सोसाइटी का हमारा काम है, तो उसमें कथित तौर पर जो है ना आर्मी का अमल दखल या उनकी जो इन्वेस्टमेंट या बाकी चीज़ें नहीं होती। ये जो मामला है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा पर्सनल फीलिंग्स थी कि एक खातून वहाँ से ट्रेवल करके आई। अगर वो मतलब आपने कहा पर्सनल फीलिंग्स थी, आपने किस जज्बे के तहत उसको ये प्लाट अलाट किया? वहाँ तो ये कहा जा रहा है कि इसको ISI एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस पर कि ये हमारी पर्सनल फीलिंग्स थी, हमने उसी हिसाब से ट्रेवल किया। मेरी कंपनी के अंदर एक मैनेजर हैं, वो उस इलाके से ताल्लुक रखते थे, तो मुझे जब पता चला नसरुल्ला की जो वहाँ की फाइनेंशियल सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ, तो हमने कहा यार हम इस पर कोई पॉजिटिवली किरदार अदा करते हैं। अच्छा, अगर आप इसके बैकग्राउंड पे जाएं तो पाकिस्तान इस उनवान पर कि एक मेहमान नवाज कंट्री है, पाकिस्तानी लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, वो हमेशा रिश्तों की तकरीम को जानते हैं, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये तो हमारी रवायात में शामिल है। ये चीज़ें, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि इसको पॉजिटिवली लेने की बजाय इसको नेगेटिवली, इसको दूसरी चीज़ों के साथ नथी किया जा रहा है, या शायद उनकी फीलिंग्स ही ऐसी हैं, डेवलपमेंट ऐसी है, ऐसा कतई तौर पर नहीं है। ये एक पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, एक पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी वही सोच रहे जो मैं सोचता हूँ। इस सारी एक्टिविटी के बाद आप यकीन माने कि हमें बेतहाशा लोगों की कॉल्स, मैसेज और एक पूरा का पूरा एक सिलसिला कायम हो गया। वो लोग बड़े हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो खुश हैं कि यार ये काम आपने किया, हम भी ये करना चाहते हैं। आप देखें, हमने वहाँ पर दावत दी
कि अदर सोसाइटीज़ के लोग भी यहाँ पर आके इनको बैकअप करें, तो अभी 3 प्लाट उनको मिल चुके हैं, उम्रे की ऑफर्स उनको हो चुकी हैं, तो आया सब लोगों को आप नथी करेंगे कि उनको वहाँ पर ISI भेज रही है या पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट इदारे भेज रहे हैं? तो ऐसा कतई तौर पर नहीं है। हमारे यहाँ हमारी जो ISI है या हमारी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनके काम करने के और बहुत सारे काम हैं, और वो अपने काम में बड़ी ज़बरदस्त महारत रखते हैं, वो उस पर बड़े एक्टिवली अपना रोल अदा करते हैं। तो वो लड़कियों को भगाने में, फंसाने में, लाने में, या उनको कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में, मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना टाइम होगा कि वो इस पर सोचेंगे। तो ये क्या बात है कि एक सरहद पार से एक लड़की आती है और इधर सरहद पार से लड़की जाती है, इंडियन मीडिया उसको इसे प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ के लोगों को गलत दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जज्बा खैर सिगाली के तहत दिया गया प्लाट उस पर भी नफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो इस पर इंडियन मीडिया जो किरदार अदा कर रहा है उसको आप क्या जवाब देंगे? मैं चूंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ मेरे होते हैं इंडियन मीडिया में भी, मैं उनको भी ये कहता हूँ कि आप इसको नेगेटिव क्यों सोचते हैं? एक अच्छा वर्क है, एक अच्छा फेस है एक कंट्री का, तो आप उसको पॉजिटिवली लें। आप किसी भी चीज़ को एंगेज करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के हिसाब से कि हमें ये चीज़ अच्छी लगती, लिहाजा इसको हम उसके साथ नथी कर दें, ऐसा कतई तौर पर नहीं है। मैंने आपको कहा कि हमारा इस सारे सुनहरी के अंदर, इस सारे सिलसिले के अंदर कहीं पर भी ये उन्वान है ही नहीं कि हमें किसी ने भेजा। मुझ पे इस पे आप जिस तरह की आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा देखें, बुनियादी तौर पे अगर आप पाकिस्तान को स्टडी करें कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान डिवाइड हुई और जितने हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान आए, तो उन तमाम लोगों को पाकिस्तान के अंदर LR2 के ज़रिए लैंड दी गई। हमारे ये इस्लामाबाद हम फेडरल में बैठे हैं, 70% हमारी लैंड जो है वो महाजरों की है। तो ये हमारे अजदाद की रवायात हैं कि हमारे यहाँ जब भी लोग गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, तो वापसी पे उनको तोहफा दिया जाता था। अगर वो रेजिडेंस इख्तियार करते थे तो उनको ज़मीनें दी जाती थी। ये कोई नई बात नहीं है, उसी प्रैक्टिकल का एक किरदार है, उस तसलसल की एक क्याम है कि मैंने जाके वहाँ पर जब समझा कि यार वो बच्ची आई है, तो उसको रहने के लिए सबसे बड़ा उनवान उसको घर चाहिए होगा। तो चूँकि मेरा रियल इस्टेट का काम है, हम इसी इंडस्ट्री के लोग हैं, तो हमने कहा यार क्यों ना हम अपने आप को पेश करें, तो हम इस उनवान पर चले गए और हमने उनको प्लाट दे दिया। फिर दूसरे नंबर पर हमारी अपनी डिस्कशन BOD में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ये थी कि ये बच्चे अगर यहाँ पर इसको लीगली तमाम डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो इसका सर्वाइवल कैसे होगा आगे, इसके खाने पीने का, उठने बैठने का, इसके जो बाकी चीज़ें, तो उसमें हमने कंपनी की तरफ से उनको ऑफ़र की कि हम आपको एज ए ब्रांड एम्बेसडर लेते हैं। आपको पता है कि ब्रांड एम्बेसडर के लिए कंपनीज़ के कितने स्ट्रॉन्ग रूल्स होते हैं, कितनी चीज़ों को वो देखते हैं, लेकिन हमने क्यों, हमने कहा यार एक बच्ची आई हुई है, हम इसको बैकअप करें। उस पर भी बहुत सारे सवालियाँ उन्होंने क्वेश्चन किए हैं कि जनाब 50,000 आप सैलरी ऑफर करके आ गए हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है खुशहाली है, लोग हैप्पी हैं यहाँ, तो 50,000 रुपये की कोई इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक एक्टिविटी की वजह से आप किसी की फैमिली को किसी जगह पर उसको बसाने में, उनको कायम रखने में अगर आपका किरदार है, तो मैं समझता हूँ ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और ये सारी चीज़ें हम अपनी तस्कीन के लिए करते हैं। जितने यहाँ पर जलजिले आए, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव किरदार पाकिस्तान की कौम का, गरीब लोगों ने अपना घर, जनाब अपने घर से चीज़ें दी हैं जाके कश्मीर में, बालाकोट में। हमारे यहाँ सैलाब आए, बाहर की कंट्रीज़ के लोग बाद में पहुँचे हैं, सबसे पहले पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ पे किरदार अदा किया। तो हम लोग चैरिटी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और हम ये समझते हैं कि किसी भी नेशन की डेवलपमेंट जो है वो बुनियादी तौर पर उसके अजदाद की तरफ से होती है, तो हमारी तो गुट्टी में ये चीज़ें शामिल हैं। अच्छा मोहसिन अब्बासी, ये बताएँ कि सीमा भी इंडिया में गई, वहाँ पर उसके साथ जो कुछ किया गया, मज़हब को लेकर जो प्रोपेगेंडा किया गया, उसके बावजूद जिस तरह आपने इंडिया को जवाब दिया, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो दो किरदार हैं। मैं ये समझता हूँ कि सीमा के साथ जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, और पाकिस्तान जैसी ज़बरदस्त एक खूबसूरत कंट्री को छोड़ के जाने की सजा शायद उसको मिल रही है, और पाकिस्तान जैसे ज़बरदस्त लोग जो हैं, फिर ये इलाके अच्छे हैं, यहाँ पर जो मज़ाहिब की तकरीम है, रिस्पेक्ट है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा इज़्ज़त भी कहीं नहीं करते मज़ाहिब की, दीगर मज़ाहिब की भी। आप मुझे बताएँ कि क्या सिंध के अंदर हमारे पास भरपूर हिंदू नहीं रहते? और कभी आपने सोचा ही नहीं होगा कि किसी हिंदू को हमने कहा हो कि जनाब आप जो है ना ज़बरदस्ती आप इस्लाम कबूल कर लें। वो हमारे बच्चों के साथ स्कूलों में पढ़ते हैं, वो पाकिस्तान की तमाम तरह चीज़ों को इंजॉय करते हैं जो एक मुसलमान करता है। हमारे पाकिस्तान में बेतहाशा क्रिश्चियन है, हमारा इस्लामाबाद भरा पड़ा है। अच्छे सारे क्रिश्चियन जो हैं वो बड़े सेफली अपने आप को यहाँ लाइफ जो है ना इंजॉय करते हैं, गुजारते हैं। अब मसला ये है कि मज़हब को आप किसी की इंडिविजुअल लाइफ के साथ एंगेज करने के बाद उसकी नेकनामी या बदनामी का अगर वो करेंगे, तो वो कतई तौर पे ज़्यादती है। और हमारा जो, हमसे जाहिर सी बात है कि जो इसमें आप ये कहेंगे पाकिस्तान बाहसियत कौम
अंजू को वेलकम कर रहे हैं, तो इससे पहले भी शायद आपकी नॉलेज में हो कि 2018 में हिंदुस्तान की एक लड़की पाकिस्तान में आई, तो उसको हमारे तमाम टीवी चैनल्स ने उस वक्त लिया और बहुत पॉजिटिवली उसको वेलकम किया। तो ये पहला केस नहीं है, सिर्फ ये है कि ये क्रॉसिंग होगी, क्योंकि सेम टाइम में सीमा का केस आ गया, तो वहाँ के इदारे ये समझते हैं कि जनाब ये आईएसआई ने जो है ना सीमा को उधर भेज दिया, अंजू को इधर भेज दिया। अच्छा आप ये बताएं, जो कुछ इंडियन मीडिया कर रहा है उसको क्या पैगाम देंगे, जिस तरह प्रोपोगंडा लेकर मैंने आज आपको सामने इसलिए लाया कि ताकि इंडिया में बैठे हुए डिफेंस मिनिस्टर और उनके डिफेंस एनालिस्ट जो हैं तजियाकार जो हैं वो बैठ बैठ के आपके ऊपर तजिए करें जनाब के देख लें आईएसआई ने क्या रोल किया वहाँ की सेना पाक आर्मी को लेकर जो प्रोपोगंडा कर रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया से इस सरहद के पार रहने वाले लोग भी देख लें कि आपकी मीडिया आपको किस तरह गलत तरीके से फीड कर रही है। मोहसिन अब्बासी आपके सामने मौजूद हैं, आप क्या पैगाम देंगे उन लोगों को और इंडियन मीडिया को क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, मैं आपके तवसत से यही कहना चाहूँगा कि आप जब किसी भी चीज़ किसी भी उन्वान को पॉजिटिव सोचेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। आप इस सारे मामले को पॉजिटिवली लें और सेकेंडली इससे सबक भी हासिल करें कि आपके यहाँ जब कोई बंदा आए तो उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट का भी आप ख्याल करें। तो मेरा ये मैसेज होगा कि हिंदुस्तान जो है वो एक अरसे से हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ जब से ये ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, मीडिया का दौर आया, तो हमारे लोगों के रबत भी हैं, तो इंजॉय करना चाहिए हमें पाकिस्तान को भी, उनको आना चाहिए यहाँ पर। पाकिस्तान ज़बरदस्त कंट्री है, अच्छे लोग हैं यहाँ के। बहुत शुक्रिया मोहसिन खान अब्बासी, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन ये हैं मोहसिन खान अब्बासी, जिनके बारे में इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है कि या सही के एजेंट हैं या इन्होंने प्लाट जो है वो पाक आर्मी के कहने पे दिया। पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इंडियन मीडिया को ये जवाब दें कि उनका जो प्रोपोगंडा है उसकी असल हकीकत क्या है। ओसाफ डिजिटल की नई स्टोरीज जानने के लिए इसी पेज को फॉलो कीजिए। सयाब अहमद अब्बासी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।